आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी घर की वायरिंग करते समय हमें कहां पर कितने एमएम का वायर यूज करना चाहिए। देखिए ये जो बोर्ड हमने कंप्लीट बनाया है ना, जहां पे जितने एमएम का वायर प्रयोग करना चाहिए हमने वही किया, बिल्कुल एग्जिट। और जहां पे जो भी उपकरण लगाना चाहिए हमने सेम किया है, जहां पे जो पाइप लगानी चाहिए हमने वही लगाया। तो हम लोग आज वायर के बारे में स्पेशल समझेंगे, वायर सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें, देखिए यहां पर हमारी पूरी सप्लाई है, यहां से हम सबसे पहले सप्लाई को कट कर देते हैं, आगे लाइट नहीं जाएगी। अब देखिए यहां पर जो हमारा मेन वायर होता है ये हमारा सब मीटर है, आपका जो मेन मीटर है वहां तक अगर जो सप्लाई आती है आप वहां पे केबल वायर अगर प्रयोग कर रहे हैं तो 6 mm या फिर 10 mm यानी 6 mm या फिर 10 mm वायर यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने जो यूज किया, नजदीक से दिखाइए, यहां पर हमने जो यूज किया देखिए इस तरह का वायर यूज किया जो कि 4 mm का पीवीसी वायर है, और पूरी वायरिंग में पीवीसी वायर ही प्रयोग करना चाहिए। और कोई वायर प्रयोग करेंगे जैसे अगर इस तरह का फ्लेक्सिबल वायर यूज कर लेंगे तो कभी भी ये जल जाएगा, खराब हो जाएगा। अस्थायी रूप से वायरिंग के कार्यों में प्रयोग होने वाला वायर हमारा पीवीसी वायर ही होता है। तो देखिए ये 4 mm का वायर है, सबसे पहले जो हमारा मेन सब मीटर तक आया और मीटर से आउट हुआ यहां तक हमने 4 mm का वायर यूज किया है। सबसे पहले आपका जो वायरिंग होगा अगर केबल से आया हुआ है तो यहां 6 या 10 mm का इन होगा, आउट करवाने के बाद आप चाहें तो ये 4 mm का वायर यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने लगाया एमसीबी चेंजर, यानी एमसीबी चेंजर का मतलब ये चेंज ओवर स्विच है जो कि हम लाइट और जनरेटर की सप्लाई के लिए यहां पर दो लगाए हुए हैं। देखिए अगर लाइट रहेगी तो ये वाला बल्ब जलेगा और जनरेटर चालू कर दिया जाए तो ये हमारा दूसरा बल्ब जलेगा, यहां पे हमने लगाया है। इसको नीचे किया जाए तो जनरेटर की सप्लाई आउट होगी, और अगर इसको बीच में किया जाए तो सप्लाई कट होगी, इसको ऊपर किया जाए तो लाइट की सप्लाई आउट होगी, इस तरह का ये वायरिंग है। तो समझिए यहां पर हमने 4 mm का वायर यूज किया है, इस चेंजर से निकलने के बाद भी 4 mm का वायर आगे गया हुआ है, और जो हमारी एमसीबी बॉक्स है ये एमसीबी बॉक्स पूरा, इस एमसीबी बॉक्स में भी जो मेन सप्लाई आई हुई है पूरा का पूरा 4 mm यानी 4 mm से इसके अंदर वायर इन हुआ है। यानी सबसे पहले देखिए इसमें भी क्या लगा हुआ है, ये आइसोलेटर इसको बोलते हैं, ये क्या करता है, ये सप्लाई को केवल कट करता है, शॉर्ट सर्किट होने पे गिरेगा नहीं, लेकिन अगर इसको कट कर दिया जाए तो न्यूट्रल फेस दोनों की सप्लाई कट होती है और कोई भी काम किया जा सकता है। इसको हम चालू कर देते हैं। देखिए ये सारी हमारी एमसीबी है अलग अलग रूमों के लिए, तो सबसे पहले 4 mm का वायर हमने, 6 mm का वायर हम मीटर तक करेंगे, मीटर के बाद 4 mm का वायर एमसीबी तक कर लिया, एमसीबी में सप्लाई इन हो गई। एमसीबी से आउट होने के बाद जो रूम के अंदर हमने लेकर के गए, हर रूम के लिए यहां पर ले गए हम यूज किए 2.5 mm का वायर। यानी आपको भी हर बोर्ड के लिए, हर घर में जो बोर्ड है वहां तक जो मेन सप्लाई जाएगी जिसमें न्यूट्रल फेस जाएगा वहां पर यूज करेंगे 2.5 mm। देखिए यहां पर दिखाइए नजदीक से, यहां पर देखिए दो पाइप है ना, एक पाइप यहां से आई हुई है, इसमें से देखिए जो तार निकले हुए हैं, जो तार निकले देखिए टोटल यहां पर कितने तार है, ग्रीन कलर का, ब्लैक है, रेड और व्हाइट है। समझिए कौन कौन से हैं। ग्रीन कलर का वायर का यूज करते हैं हम बॉडी अर्थ के लिए 0.75 mm, 0.75 इसको बोलते हैं। देखिए जितनी भी वायरिंग होगी ग्रीन कलर का वायर जितना है यह बॉडी अर्थ का है और सब जगह 0.75 का ही यूज किया गया, चाहे वो एसी चलाना हो चाहे वो कुछ भी चलाना हो। ब्लैक कलर का वायर मेन जो लीड में हम प्रयोग कर रहे हैं हर बोर्ड में पहुंचाने के लिए 2.5 mm का वायर है। इन्वर्टर वायर जो व्हाइट कलर का यूज कर रहे हैं और यह है हमारा 1 mm का, यानी 1 mm का। तो यह हो गया 0.75 और यह हो गया 1 mm और ये दोनों हो गए हमारे 2.5 mm के वायर जो कि मेन है। देखिए सिर्फ एक बोर्ड के लिए इस तरह की सप्लाई आई हुई है, ये वाला हमारा एक बोर्ड है, इस बोर्ड के लिए सप्लाई आई हुई है इस तरह से, ये वाला मेन न्यूट्रल फेस, ये एक एमसीबी से आई होगी। अब उसके बाद इसमें तो ढेर सारी एमसीबी है ना, ये अलग अलग रूम के लिए अलग अलग एमसीबियां होती है। तो समझिए सबसे पहले यहां से हमारा दूसरा भी वायर यूज निकला होगा और दूसरी एमसीबी से निकला होगा। देखिए ये नीचे नीचे एक और पाइप जा रही है ना, यहां से देखिए नीचे नीचे एक और पाइप जा रही है ना, देखिए गई है कहां, यहां तक। इसमें से जो तार निकले वो देख सकते हैं, देखिए नजदीक से दिखाइए, दो तार इधर गए हैं, देखिए न्यूट्रल फेस हमारे मेन, दो तार इधर से नीचे आए हैं और नीचे वाले पाइप में गए हैं, न्यूट्रल फेस हमारे मेन, और दो तार हमारे इसी वाले बोर्ड को कवर कर लिए। देखिए इस बोर्ड में हमने पीसीबी भी लगा रखा है, तो दो तार हमारे इसी बोर्ड में कवर कर लिए। इसका मतलब यह हुआ कि यह 3 अलग अलग एमसीबीओ से आया हुआ है और यह अलग अलग रूम के लिए। तो समझ गए होंगे कि बोर्ड में जो इन करवाना है वो करवाना है 2.5 mm का वायर। अब देखिए बोर्ड में तो हो गया हमारा 2.5 mm का वायर और हमारा ग्रीन कलर बॉडी अर्थ का हो गया 0.75 और व्हाइट कलर का हो गया 1 mm का वायर। अब बात रही पॉइंट का, पॉइंट का मतलब किसी उपकरण को चलाने के लिए हम कितने एमएम का वायर यूज करें। तो देखिए यहां तक मेन हमारा जो आया है
यहां तक जो मेन हमारा आया है 2.5 mm, लेकिन जो उपकरणों तक पहुंच रहा है वो है 1 mm का वायर। देखिए पूरी वायरिंग में अब उपकरण क्या है ये भी देखना, अगर कोई एसी वगैरह कोई पावर का बोर्ड बना रहे हैं तो वहां भी 2.5 mm यूज करना पड़ेगा, लेकिन कोई बल्ब है फैन है बेसिक चीजें है तो वहां पर हम 1 mm का वायर का यूज करते हैं। बेसिक समझिए, सबसे पहले हमने मेन का यूज किया है 6 mm, मीटर के बाद एमसीबी तक यूज किया 4 mm, एमसीबी के बाद बोर्ड तक यूज किया हमने 2.5 mm, और उसके बाद बोर्ड के बाद स्विचों में इन करवाने के बाद जब हम ऊपर से आउट करवा रहे हैं तो वहां से हमने यूज किया है 1 mm वायर, या फिर 1.5 mm वायर ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा यूज करें तो नुकसान करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कम नहीं करना है, ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा था, और इन्वर्टर वायर 1 mm से कर सकते हैं, बॉडी अर्थ 0.75 भी रहेगा यानी 0.75 ये ग्रीन कलर का तो भी काम कर जाएगा। ये देखिए पूरा बोर्ड हमारा है ना, अगर बोर्ड में हमें तारों को पहचानना है तो हम एमएम से तुरंत पहचान लेंगे। सबसे पहले देखेंगे सबसे मोटा तार कौन है, देखिए यहां पर सबसे मोटा तार कौन है, तो ये देखिए हमारे दो तार हैं जो कि सबसे मोटे हैं, देखिए ये दोनों हमारे ब्लैक और ये रेड, देखिए ये दोनों तार हमारे सबसे मोटे हैं। इसके अलावा ये इतने सारे रेड कलर के तार हैं, देखिए सब पतले पतले हैं। ये किसके हैं? ये अलग अलग पॉइंटों के हैं। ये सारे जो बल्ब जुड़े हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये अलग अलग सभी बल्बों के पॉइंट है, मतलब स्विच के आउट होने से। तो मेन पॉइंट, बस मेन बात ये है कि यहां से हमारा मीटर तक जो सप्लाई है वो 6 mm, मीटर के बाद जो लेंगे वो 4 mm, और एमसीबी तक, एमसीबी के बाद 2.5 mm पर बोर्ड में, और अगर कोई एसी वगैरह चला रहे हैं तो वहां पे भी आपको 4 mm ही लेकर के जाना होगा, यानी जिस पॉइंट से एसी चलाएंगे सिर्फ उस पॉइंट के लिए सीधा आपको 4 mm लेके जाना होगा, और उस वाले वायर से कोई भी अदर उपकरण नहीं चलाएंगे, यानी एक ही एमसीबी से डायरेक्ट उस एसी तक सप्लाई देंगे जितनी भी एसी आपको चलानी होंगी। तो इस तरह से अगर वायरिंग करते हैं तो कभी भी वायर वगैरह कोई भी खराब नहीं होगा और बढ़िया तरीके से आपकी वायरिंग काम करेगी। इससे रिलेटेड आपका अभी भी कोई सवाल है, सुझाव बचा है तो कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।